नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 सालों में गन्ना किसानों को भुगतान के साथ साथ तकनीकी के इस्तेमाल से बड़ी राहत दी है। गन्ने से सिर्फ चीनी गुड़ नहीं बन रहे बल्कि इथेनॉल से लेकर गुड़ और उससे संबंधित कई तरह के खाद्य पदार्थ भी बनाए जा रहे हैं, जिस कारण चीनी उद्योग और उससे जुड़े क्षेत्रों में 70 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। इतने ने सरकार की ओर से पिछले 5 सालों का गन्ना मूल्य का पूरा भुगतान और वर्तमान सत्र का भी 84% से ज्यादा का भुगतान कराया गया है। सीएम योगी के लगातार प्रयासों से चीनी उद्योग और गन्ना विकास ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का बड़ा माध्यम बना है। गन्ना विकास विभाग की ओर से प्रदेश में पहली बार ऑनलाइन खांडसारी लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू की गई है। खांडसारी नीति में सार्थक बदलाव के कारण प्रदेश में 282 खांडसारी लाइसेंस जारी किए गए हैं, जिसमें 172 इकाइयां संचालित हो चुकी है। इससे करीब 19,264 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। सभी 282 खांडसारी इकाइयों की स्थापना से करीब 31,530 लोगों को प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इसके अलावा गन्ना विकास विभाग की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को रोजगार सृजित कराकर स्वावलंबी बनाने के लिए अनूठी पहल की गई है। गन्ना विकास विभाग और चीनी उद्योग के अपर मुख्य सचिव संजय आर भुसरेड्डी ने बताया कि सीएम योगी के निर्देश अनुसार विभाग को रोजगार परक बनाया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि विभाग के माध्यम से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। इसी के तहत प्रदेश में पहली बार 37 जिलों में 3,003 महिलाएं और स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया। इसमें 58,905 महिला सदस्यों से सिंगल बर्ड और सिंगल बर्ड चिप विधि से गन्ना पौधे तैयार कराकर रोजगार सृजित किया गया है। समूह ने अब तक करीब 24.6 करोड़ सीडलिंग तैयार किए हैं, जिससे 78.75 लाख कुंटल नई उन्नत गन्ना किस्मों का बीज किसानों को वितरण के लिए उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि औसतन 4 महीने के सीडलिंग उत्पादन और वितरण के लिए हर समूह को 75,000 रुपए से 27 लाख रुपए प्रति साल की आमदनी हो रही है। ऐसे ही समूह के हर महिला को सालाना 7,500 रुपए से 2 लाख रुपए की आय हो रही है। सीएम योगी ने चीनी मिलों की पेराई क्षमता में करीब 24,100 टीसीडी की वृद्धि की है और 10,000 टीसीडी क्षमता की 2 नई चीनी मिलें स्थापित की हैं, जिनसे करीब 32,010 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन हुआ है। चीनी मिलों में करीब 1.5 लाख लोगों को स्थायी और अस्थायी तौर पर रोजगार मिला है। करीब 8 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार चीनी उद्योग से मिला है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 10 लाख दैनिक मजदूरों को गन्ना छिलाई और कटाई के माध्यम से चीनी मिलों के संचालन के दौरान रोजगार मिला है। इसके अलावा प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन में साल भर करीब 288 मानव दिवस रोजगार का सृजन होता है। इस प्रकार प्रदेश में कुल 27.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ना उत्पादन से करीब 7,949 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन होता है और करीब 50 लाख किसान गन्ना उत्पादन के माध्यम से रोजगार प्राप्त करते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तमाम विषयों पर वीडियोस उपलब्ध हैं। जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। विस्तृत खबरों की जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं।